गुड मॉर्निंग आप सभी कोई को आप सभी कोई का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग कमोडिटी ट्रेंड एनालिसिस क्रूड ऑयल का लेवल देखेंगे मंडे 31 अगस्त के लिए यस्टरडे के क्लोजिंग के बेसिस पर, फ्राइडे के क्लोजिंग के बेसिस पर मंडे 31 अगस्त के लिए क्रूड ऑयल का लेवल देखते हैं। लेकिन उसके पहले आपको एक डिस्क्लेमर है कि आप जो भी करें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के सलाह से करें, क्योंकि यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज से बनाई जा रही है। यस्टरडे की क्लोजिंग हुई है 3149 पर, 3149 की क्लोजिंग हुई है। उसके बेसिस पर वोलेटिलिटी के अनुसार लेवल यदि हमें मिलती है 3155 के नियर अबाउट, तो यहाँ हम बाई के लिए देखेंगे। हमारी पहली रेजिस्टेंस लेवल होगी 3168 के लिए। यहाँ मार्केट सस्टेन करती है और अपसाइड जाती है तो नेक्स्ट लेवल होगी हमारी 3190 के लिए। मार्केट डाउनसाइड जाती है और लेवल हमें मिलती है 3145 के नियर अबाउट, तो यहाँ हम शॉर्ट के लिए देखेंगे। हमारी पहली सपोर्ट लेवल होगी 3130 के लिए। मार्केट यहाँ सस्टेन करती है और डाउनसाइड होती है तो नेक्स्ट लेवल होगी हमारी 3110 के लिए। तो ये थी वोलेटिलिटी के अनुसार। अब हम देखते हैं ऑर्बिट एनालिसिस के अनुसार क्या लेवल आती है। लेवल यदि हमें मिलती है 3155 के नियर अबाउट, तो यहाँ हम बाई के लिए देखेंगे। हमारी पहली रेजिस्टेंस लेवल होगी 3175 के लिए। यहाँ मार्केट सस्टेन करती है और अपसाइड जाती है तो नेक्स्ट लेवल होगी हमारी 3195 के लिए। मार्केट डाउनसाइड जाती है और लेवल हमें मिलती है 3140 के नियर अबाउट, तो यहाँ हम शॉर्ट के लिए देखेंगे। हमारी पहली सपोर्ट लेवल होगी 3125 के लिए। मार्केट यहाँ सस्टेन करती है और डाउनसाइड जाती है तो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगी हमारी 3103 के लिए। तो ये थी वोलेटिलिटी और ऑर्बिट एनालिसिस के बेसिस पर लेवल्स 31 अगस्त के लिए। आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें ज़्यादा और प्रेस करें बेल बटन ताकि आपको वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। ओके थैंक्स।